हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे अपेंडिसाइटिस। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो देखते हैं और आपको समझ में आता भी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। जनरली मैं इस बारे में बोलता नहीं हूँ, बट कर दिया करो लाइक, अच्छा लगता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिस्पॉन्स दो। विदाउट रिस्पॉन्स मज़ा नहीं आता। ओके, चलो टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अपेंडिसाइटिस में अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले अपेंडिक्स की लोकेशन की, या अपेंडिक्स कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो जो हमारी बॉडी की लार्ज इंटेस्टाइन और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इनका जो जंक्शन होता है, यानी जो जहाँ पे मिलती है उसके जस्ट पास में प्रेजेंट होता है अपेंडिक्स। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है या एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर होती है अपेंडिक्स। नेक्स्ट वन अब चीज़ आती है कि इसको एसेस कैसे किया जाता है, डायग्नोस कैसे किया जाता है। तो जो अपेंडिक्स की जो लोकेशन होती है, इसको एसेस करने के लिए एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं मैकबर्नी पॉइंट। इस पॉइंट के बारे में या इसके बारे में सबसे पहले डिस्क्राइब किया था चार्ल्स मैकबर्नी ने, इसलिए इस पॉइंट का नाम रख दिया मैकबर्नी पॉइंट। उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि यहाँ पे प्रेशर डालने से जो अपेंडिसाइटिस का पेशेंट होता है उसको पेन फील होता है, इसलिए इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया मैकबर्नी पॉइंट। और ये चीज़ बताने के जस्ट 5 साल के बाद में उन्होंने यहाँ पे इंसीजन करके सर्जरी की थी और अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया था, इसलिए उस सर्जरी का नाम रख दिया मैकबर्नी इंसीजन। ओके, अब इसको मेजर कैसे करते हैं मैकबर्नी पॉइंट को। तो ये जो पेल्विस या पेल्विक बोन होती है, इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो, और इस साइड में जो अम्बिलिकस है, इन दोनों के बीच में मैकबर्नी पॉइंट होता है। यहाँ से जो डिस्टेंस होता है वो 2/3 डिस्टेंस होता है और इधर से होता है 1/3 डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है मैकबर्नी पॉइंट और इसके जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट है अपेंडिक्स। ओके, तो इस पॉइंट के थ्रू अपेंडिक्स की लोकेशन का पता लगाया जाता है। और ये अपेंडिक्स जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट लोअर साइड में। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं कि अपेंडिसाइटिस क्या होता है। तो आप लोगों को सिंपल सा ये पता होगा कि अपेंडिक्स में अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की कंडीशन डेवलप हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, अपेंडिसाइटिस। ये मैंने आपको बता दिया कि अपेंडिक्स एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, बिगिनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यानी जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म होती है और लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है। इसका जो साइज़ होता है वो 7 से 15 सेंटीमीटर के आसपास होता है और इसकी जो वाइडनेस होती है वो होती है 0.5 से 1.5 सेंटीमीटर। अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन, इसकी कॉजेज या रिस्क फैक्टर्स की। तो यहाँ पे जो मेन कॉज होती है अपेंडिसाइटिस होने की वो होती है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे, अपेंडिक्स की ओपनिंग पे, यानी जहाँ पे ये सीकम से अटैच है अपेंडिक्स, यहाँ पे किसी तरह का अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उस वजह से अपेंडिसाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है। अब बात आती है कि ऑब्स्ट्रक्शन किस किस वजह से हो सकता है। तो इसके कुछ सोर्सेज है, लाइक फर्स्ट वन है फूड वेस्ट मटेरियल। जो भी फूड का वेस्ट मटेरियल होता है वो अगर यहाँ पे आके जम जाए और इसको ब्लॉक कर दे तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरा, हार्ड पीसेज ऑफ स्टूल, जिन लोगों में कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन रहती है या लोग जो कम पानी पीते हैं उनमें क्या होता है कि हार्ड पीसेज ऑफ स्टूल बन जाते हैं और ये स्टूल के हार्ड पीसेज अपेंडिक्स को ब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, पैरासाइट इन्फेक्शन की वजह से भी अपेंडिसाइटिस या ब्लॉकेज हो सकता है। नेक्स्ट वन, कुछ इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीजेज आती है लाइक क्रोन डिजीज़। इन्फ्लामेटरी बोल डिजीज़ का मतलब होता है कि जो बोल होता है लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, इनमें किसी तरह का इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाना। ठीक है, तो क्रोन डिजीज़ जो होती है इसमें क्या होता है कि बोल में या जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और उस वजह से भी यहाँ ब्लॉकेज हो सकता है। नेक्स्ट वन, एक और यहाँ पे कंडीशन होती आती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें भी क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर बन जाते हैं इन्फ्लामेशन की वजह से, उस वजह से भी जो है ब्लॉकेज हो सकता है अपेंडिक्स में। और लास्ट वन, यहाँ पे सोर्स हो सकता है ब्लॉकेज का ट्रोमा टू एब्डोमन। एब्डोमिनल एरिया में किसी तरह का ट्रोमा हो जाए, ठीक है, या इंजरी हो जाए, उस वजह से भी अपेंडिक्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो ये तो बात हो गई कुछ ऑब्स्ट्रक्शन की जिन और इसके सोर्सेस की।
नेक्स्ट उन्हें बात कर लेते हैं इन्फेक्शन के सोर्सेज की, यानी कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपेंडिसाइटिस कोस कर सकते हैं। तो इसमें जनरली सभी आएंगे, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पेरेसाइट्स, लाइक रर्सिनिया स्पीसीज हो गई, एडिनो वायरस हो गया, साइटोमिगेलो वायरस है, माइकोबैक्टीरिया स्पीसीज है, इस्टोप्लाज्मा है या पिनवर्म से। ये सभी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये अपेंडिसाइटिस कोस कर सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स की। नेक्स्ट उन्हें बात कर लेते हैं अपन इसके पैथोफिजियोलॉजी की, कि यहाँ क्या मैकेनिज्म रहती है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इसकी मैकेनिज्म। सबसे पहले जो भी यहाँ कॉजेटिव फैक्टर्स होते हैं, लाइक जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है फूड मटेरियल की वजह से या हार्ड पीसेज ऑफ स्टूल्स की वजह से, तो क्या होता है कि इनकी वजह से अपेंडिक्स का जो ल्यूमन होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। यानी ये जो अपेंडिक्स है, ठीक है, इसके ल्यूमन में क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, यानी ये ब्लॉक हो जाएगा। अब ये ब्लॉक हो गया तो नेक्स्ट वन थिंग क्या होगी कि जो म्यूकोजल का जो सीक्रीशन, यानी जो म्यूकस सीक्रीशन होता है अपेंडिक्स से या ड्रेनेज होता है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे ब्लॉकेज होगा तो जो अपेंडिक्स से जो म्यूकस सीक्रीट होता है वो बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेज क्या हुई, म्यूकस का ड्रेनेज रुक गया। अब क्या होगा, जैसे ही म्यूकस यहाँ से ड्रेन नहीं होगा तो ये म्यूकस अंदर जमा होता जाएगा, अंदर जमा होगा तो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, यानी अपेंडिक्स के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ म्यूकस जमा होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन अब क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से अपेंडिक्स की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे म्यूकस जमा हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो जो भी अपेंडिक्स की ब्लड सप्लाई आती है वो कम हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि ब्लड वेसल्स कंप्रेस होगी। कंप्रेस क्यों होगी, प्रेशर की वजह से। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, अपेंडिक्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कम मिलेगा। क्या होगा, अपेंडिक्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई कम हो जाएगी। जैसे ये सप्लाई कम होगी तो यहाँ पे बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो रही है, ब्लड नहीं आएगा, WBCs नहीं आएगी, तो जो यहाँ पे अपेंडिक्स में नॉर्मली बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं उनकी ओवरग्रोथ होने लग जाएगी। और जैसे इनकी ओवरग्रोथ होगी तो यहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट होगा, इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन होगा, जिसको अपन बोलेंगे अपेंडिसाइटिस। एक बार मैं फिर से आपको वापस से समझा देता हूँ, आपको फिर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, जो भी कॉजेटिव फैक्टर्स होंगे उनकी वजह से अपेंडिक्स में ब्लॉकेज होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ब्लॉकेज होगा तो अंदर जो म्यूकस है, जो अपेंडिक्स से म्यूकस ड्रेन होता है, वो बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो अपेंडिक्स से जो म्यूकस बाहर नहीं जाएगा तो ये म्यूकस अपेंडिक्स के अंदर जमा होने लग जाएगा। और जैसे ही यहाँ जमा होगा तो इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, अपेंडिक्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो जो ब्लड सप्लाई आती है अपेंडिक्स को वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो ब्लड सप्लाई कम हुई है तो इसकी वजह से क्या होगा, अपेंडिक्स को ऑक्सीजन न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी जो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ होने लग जाएगी अपेंडिक्स में। क्यों होगी, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो गई है, WBCs वगैरह अंदर नहीं आ रही है, कम आ रही है। ठीक है, अब जैसे बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ होगी तो यहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट होगा, इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन डेवलप होगा, जिस कंडीशन को अपन बोलेंगे अपेंडिसाइटिस। आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि क्या मैकेनिज्म रहती है और कैसे अपेंडिसाइटिस डेवलप होता है। नेक्स्ट उन्हें बात कर लेते हैं अपन इसके साइन एंड सिम्टम्स की। सबसे पहले यहाँ सिम्टम देखने को मिलेगा गार्डिंग। गार्डिंग का मतलब क्या होता है, ब्लॉक करना, प्रोटेक्शन करना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी पेशेंट अपना एग्जामिनेशन कराने जाएगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर जैसे ही एब्डोमिनल मसल को टच करेगा तो वो पर्सन क्या करेगा, सम कॉन्शियसली अपनी मसल्स को टेंस कर लेगा, यानी कॉन्स्ट्रिक कर लेगा। जैसे अपन जब इंजेक्शन लगाने जाते हैं तो जब भी IM इंजेक्शन लगाते हैं तो अपन क्या कर लेते हैं, अपनी मसल्स को टेंस कर लेते हैं, कॉन्स्ट्रिक कर लेते हैं। ठीक है, वैसा ही सेम यहाँ पे ही रहेगा, पेशेंट क्या करेगा, जब भी डॉक्टर उसके एब्डोमिनल मसल्स को टच करेगा तो सम कॉन्शियसली अपनी मसल्स को टेंस कर लेगा, कॉन्स्ट्रिक कर लेगा, जिसको बोलेंगे अपन गार्डिंग। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे सिम्टम देखने को मिलेगा रीबाउंड टेंडरनेस। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी डॉक्टर
पेशेंट का जो मेकबनी पॉइंट है वहाँ पे प्रेशर डालेगा अपनी फिंगर से, और जैसे ही प्रेशर को रिलीज़ करेगा तो क्या होगा, जैसे ही मसल्स वापस से नॉर्मल हो गया, स्किन वापस से ऊपर आएगी, तो पेशेंट को प्रेशर फील या पेन फील होगा। ठीक है, समझ गए रिबाउंड टेंडरनेस का मतलब क्या है, कि जब हैंड प्रेशर डॉक्टर पेशेंट की एब्डोमिनल पे डालेगा और जैसे ही वापस से रिलीज़ करेगा अपने हैंड को या फिंगर्स को, तो पेशेंट को पेन फील होगा प्रेशर के रिलीज़ होने पे, जिसको बोलेंगे रीबाउंड टेंडरनेस। नेक्स्ट वन यहाँ पे सिम्टम आता है रोसिंग साइन। रोसिंग साइन क्या होता है कि जो अपेंडिक्स प्रेजेंट है राइट साइड में, राइट लोअर साइड में, ठीक है, अब इस में क्या करते हैं, पेशेंट के राइट लेफ्ट साइड में, सॉरी सॉरी लेफ्ट लोअर साइड में क्या करते हैं, डॉक्टर प्रेशर डालते हैं। जैसे ही यहाँ पे प्रेशर डालते हैं तो पेशेंट को यहाँ पे पेन फील होता है, कहाँ पे, राइट साइड में। लेफ्ट साइड में प्रेशर डालने पे राइट लोअर साइड में पेन फील होगा, जिस साइन को बोलेंगे रोजिंग साइन। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे साइन आता है आरोंस साइन। आरोंस साइन क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो अम्बिलिकस है और जो पेल्विक एरिया है, इस दोनों के बीच में मेक बर्निंग पॉइंट प्रेजेंट होता है। तो आरोंस साइन को कैसे डिटेक्ट करते हैं, यहाँ पे जो डॉक्टर हैं प्रेशर डालते हैं, कहाँ पे, मेक बर्निंग पॉइंट पर। जैसे ही यहाँ पे प्रेशर डालेंगे तो अम्बिलिकस के ऊपर वाला जो रीजन है, एपिगेस्ट्रिक रीजन, ठीक है, अम्बिलिकस के ऊपर के रीजन को बोलते हैं एपिगेस्ट्रिक रीजन। तो जैसे ही यहाँ पे प्रेशर डालेंगे तो एपिगेस्ट्रिक रीजन में पेशेंट को पेन फील होगा, जिस साइन को बोलेंगे आरोन साइन। समझ गए। नेक्स्ट वन यहाँ पे साइन दो आते हैं, सोस साइन एंड ऑब्चुरेटर साइन। अब इसको कैसे एसेस करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हैं दो, एक तो है सोस टेस्ट और एक है ऑब्चुरेटर टेस्ट। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सोस टेस्ट की। तो इसमें करते क्या है, जो पेशेंट है, पेशेंट का जो राइट लेग है इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। जैसे पेशेंट का लेग ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे, पेशेंट को बहुत तेज पेन फील होगा, कहाँ पे, मेक बर्नी पॉइंट पे। इसको तो बोलेंगे पॉजिटिव सोस साइन। ओके, नेक्स्ट वन साइन आता है ऑब्चुरेटर साइन या ऑब्चुरेटर टेस्ट। इसमें क्या करते हैं डॉक्टर, पेशेंट का जो हिप होता है या अपर लेग जो होता है उसको तो इस तरह से ऊपर करते हैं, एक्सटेंड फ्लेक्स करते हैं, सॉरी हिप एरिया को क्या करते हैं, फ्लेक्स करते हैं। उसके बाद लोअर लेग को क्या करते हैं, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ रोटेट किया जाता है। क्या किया जाता है, इसको लोअर लेग को बाहर की तरफ रोटेट किया जाता है। जैसे ही बाहर की तरफ रोटेट करेंगे, पेशेंट को मेक बर्नी पॉइंट पे बहुत तेज पेन फील होगा, जिसको बोलेंगे पॉजिटिव ऑब्चुरेटर साइन। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वन यहाँ पे कुछ कॉमन साइन देखने को मिलेंगे, लाइक पेन एट मेक बर्निंग पॉइंट, जो कि एक कॉमन साइन है अपेंडिसाइटिस का। नोजिया वोमिटिंग देखने को मिल सकती है पेशेंट में, फीवर रहेगा क्योंकि इन्फ्लामेशन है, एब्डोमिनल एरिया में स्वेलिंग प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट वन, पेशेंट को यूरिन पास आउट करने में भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि जो स्वेलिंग रहेगी उस वजह से यूरिटर्स या यूरिनरी ब्लेडर कंप्रेस हो सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई साइन एंड सिम्टम्स की, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी। नेक्स्ट वन अब बात कर लेते हैं अपन इसके डायग्नोसिस की। तो यहाँ पे हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट की प्रेजेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट कर सकते हैं जिसमें सीबीसी काउंट देख सकते हैं, और किसका काउंट देखेंगे, डब्ल्यूबीसी का। इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, तो डब्ल्यूबीसी का काउंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट वन यहाँ पे यूटीआई के लिए यूरिन एनालिसिस भी कर सकते हैं अगर इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है। प्रेगनेंसी टेस्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं वुमेन में, क्योंकि कभी कभी मिसगाइड भी हो जाता है प्रेगनेंसी और अपेंडिसाइटिस को लेकर। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे एक्सरे, सीटी स्कैन और अल्ट्रासोनोग्राफी भी कर सकते हैं अपेंडिसाइटिस का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट वन अब बात कर लेते हैं अपन इसके मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट की। तो जो नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट होता है ये कब किया जाता है, जब या तो सर्जरी अवेलेबल नहीं है या जो पर्सन है जिसको अपेंडिसाइटिस है वो पर्सन पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है सर्जरी के लिए। ओके, तब मेडिकल या नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। अब इसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो इसमें पर्सन को एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं लाइक मेट्रोनिडाजोल टू
प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम यहाँ पे एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं फीवर को कम करने के लिए, एनाल्जेसिक्स फॉर पेन, एंड सॉफ्ट डाइट दे सकते हैं पेशेंट को। यहाँ पे देना भी ज़रूरी है सॉफ्ट डाइट, क्योंकि स्वेलिंग है अपेंडिक्स में और जो खाना है वो डाइजेस्ट होना ज़रूरी है। अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो पेशेंट को ज़्यादा टेंशन प्रेशर फील होगा, ओके, इसलिए सॉफ्ट डाइट देना ज़रूरी है। नेक्स्ट उन्हें बात कर लेते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की, जो कि एक प्रोमिनेंट मैनेजमेंट है अपेंडिसाइटिस का। क्यों है? क्योंकि अपेंडिसाइटिस को अगर टाइम से ट्रीट नहीं किया जाए तो ये अपेंडिक्स क्या होता है, रप्चर हो जाता है, और रप्चर होने की वजह से जो इन्फेक्शन होता है वो पूरी एब्डोमिनल कैविटी में स्प्रेड हो जाता है और पेरिटोनाइटिस डेवलप होता है। ठीक है, पेशेंट में कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाती है? पेरिटोनाइटिस, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है अपेंडिसाइटिस की, और ये कब होती है? जब अपेंडिक्स रप्चर हो जाता है, इसलिए सर्जरी करना ज़रूरी है टाइम से। अब इसकी जो सर्जरी आती है अपेंडिसाइटिस की, उसको बोलते हैं अपेंडेक्टमी। इसमें दो टाइप्स होते हैं अपेंडेक्टमी, यानी दो तरीके से अपेंडेक्टमी कर सकते हैं, एक तो है ओपन और दूसरी है लेप्रोस्कोपिक। अब ये दोनों डिपेंड करती है सिचुएशंस पे, ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से ये सर्जरीज चूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ओपन अपेंडेक्टमी की, ठीक है। ये कब की जाती है? जब अपेंडिक्स रप्चर हो चुका है और इन्फेक्शन अदर ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो चुका है, ओके। तो ओपन अपेंडेक्टमी कब करते हैं? जब अपेंडिक्स रप्चर हो चुका है और इन्फेक्शन सारे ऑर्गन्स में या आसपास के ऑर्गन्स में फैल चुका है। अब इस ओपन में क्या करते हैं कि जो मेक बर्नी पॉइंट होता है वहाँ पे इंसीजन लगाया जाता है, चीरा लगाया जाता है, और वहाँ से डायरेक्ट अपेंडिक्स को रिमूव कर लिया जाता है, इसको बोलते हैं ओपन अपेंडेक्टमी, ओके। नेक्स्ट वन यहाँ पे सर्जरी आती है लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी। ये कब की जाती है? ये उन लोगों में की जाती है जो ओल्डर पीपल होते हैं, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है, या जो ओवरवेट पीपल होते हैं, जो उनकी जो वेट ज़्यादा होता है, मोटे लोग होते हैं, उनमें जो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। ये जो सर्जरी है लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी, इसमें इंसीजन कम लगता है, ब्लीडिंग कम होती है, और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है, ओके। अब इस सर्जरी में करते क्या हैं? इसमें दो तीन स्मॉल इंसीजंस किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं? मैक बर्नी पॉइंट के आसपास। अब क्या किया जाता है? इनमें पहले एक इंसीजन के थ्रू एब्डोमिनल केविटी में CO2 गैस डाली जाती है। CO2 गैस क्यों डाली जाती है? इससे जो एब्डोमिनल एरिया है या जो एब्डोमिनल केविटी है वो इन्फ्लेट हो जाती है, ठीक है। अब ये जैसे ही एब्डोमिनल केविटी इन्फ्लेट होगी तो डॉक्टर इजीली अंदर के ऑर्गन्स को देख सकता है, ओके। CO2 गैस इंसर्ट कर दी एब्डोमिनल कैविटी में। अब क्या करते हैं कि इसी इंसिजन के थ्रू एक लेप्रोस्कोप यहाँ से इंसर्ट किया जाता है, जिस पे एक लाइट लगी हुई होती है और एक कैमरा लगा हुआ होता है। अब ये जो लाइट और कैमरा होते हैं ये एक मॉनिटर से अटैच होते हैं, ठीक है, एक मॉनिटर से अटैच होते हैं। डॉक्टर जैसे ही इस ट्यूब को अंदर डालता है तो कैमरे की वजह से या अंदर का जो भी सीन है वो इस मॉनिटर पर डॉक्टर को दिखता रहता है। अब डॉक्टर क्या करता है, इन दो इंसीजन से दो ट्रोकर या दो सीजर्स लाइक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करता है और अपेंडिक्स को अप्रोच करके यहाँ से कट कर लिया जाता है और उसको रिमूव कर लिया जाता है। जो भी अंदर की प्रोसेस रहती है इस मॉनिटर पे दिखती रहती है। इस तरह से लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी की जाती है, जिसमें पहले CO2 गैस अंदर डाली जाती है एब्डोमिनल कैविटी को इन्फ्लेट करने के लिए। नेक्स्ट क्या किया जाता है, लेप्रोस्कोप को अंदर इंसर्ट किया जाता है जिसपे एक लाइट और कैमरा रहता है। वो कैमरा एक मॉनिटर से अटैच होता है, डॉक्टर इसके थ्रू अंदर अपेंडिक्स तक पहुंचता है और ट्रोकर इंसर्ट करते हैं, सीजर लाइक इंस्ट्रूमेंट, और अपेंडिक्स को रिमूव कर लिया जाता है, ओके। इस सर्जरी को बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी, जो किन में की जाती है? ओल्डर पीपल में या ओवरवेट पीपल में, ओके। तो ये बात हो गई सर्जरी की, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब अपन इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की बात कर लें, तो यहाँ पे जो नर्सिंग मैनेजमेंट है इजी है बिल्कुल, क्योंकि इन्फ्लामेशन का कंडीशन है और इन्फ्लामेशन कंडीशन में कॉमन नर्सिंग इंटरवेंशंस होती है जो आप बता सकते हो या लिख सकते हो। तो मैं आपको सिर्फ इसके नर्सिंग डायग्नोसिस बता देता हूँ। फर्स्ट वन है नर्सिंग डायग्नोसिस, एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन। सेकेंड वन है रिस्क फॉर डेफिशिएट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू वोमिटिंग और
फीवर। नेक्स्ट वन है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसीजन, और लास्ट वन है लैक ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। तो इन नर्सिंग डायग्नोसिस के बेस पे आप इसकी इंटरवेंशन इजीली लिख सकते हो। लाइक एक्यूट पेन है तो पेशेंट को एनाल्जेसिक्स देनी है, प्रॉपर रेस्ट देना है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट है तो यहाँ पे हाइड्रेशन जो लेवल है वो मेंटेन करना है, इनटेक आउटपुट मेंटेन करना है पेशेंट का, पेशेंट को सॉफ्ट डाइट देनी है, वोमिटिंग हो रही है अगर पेशेंट को तो पेशेंट को एंटीमेटिक ड्रग्स देनी है, लिक्विड देना है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन है तो पेशेंट को एंटीबायोटिक्स वगैरह देनी है, लैक ऑफ नॉलेज है पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में जो भी सर्जरी वगैरह की जानी है, जो कंडीशन है उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करनी है ताकि उसकी एंजाइटी कम हो। तो इस तरह से आप इंटरवेंशंस लिख सकते हो। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।